लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों की घर वापसी के लिए सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की है। जी हां, ई मित्र पोर्टल से जयपुर जिले के दूसरे राज्यों में जाने के लिए करीब 2,50,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इसी के साथ ही अन्य राज्यों से जयपुर आने के लिए करीब 28,000 लोगों ने आवेदन किया है। इन सभी मजदूरों को जिला प्रशासन की ओर से स्पेशल ट्रेन और बस से भेजा जा रहा है। गुरुवार शाम तक जयपुर से करीब 33,000 लोगों को गृह जिलों तक भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि इन प्रवासी मजदूरों को मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद ही अपने घर भेजा जा रहा है, जिससे कि कोरोना संक्रमण उन लोगों तक ना पहुंचे। सरकार के द्वारा ई मित्र पोर्टल के ऊपर श्रमिकों को से रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया था कि जो भी लोग यहाँ पर राजस्थान के अंदर प्रवासी यहाँ आना चाहते हैं और जो भी जाना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया गया था। उस रजिस्ट्रेशन के प्रारंभ करने के उपरांत अभी तक करीब करीब 2.5 लाख के आसपास लोग हैं जो यहाँ से बाहर अदर स्टेट्स में जाना चाहते हैं। करीब 28,000 के आसपास लोगों ने रजिस्ट्रेशन बाहर से यहाँ आने के लिए करवाया था। तो उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर अभी हमने बहुत सारी बसेज और ट्रेन वगैरह जो चलाई हैं उसके आधार पर उनको अभी आवागमन की कार्रवाई चालू है। अभी स्पेशल बसेज के द्वारा भी उनको रवाना किया जा रहा है। वहाँ से दूसरे स्टेट से बस यहाँ पर लेके आ रहे हैं। स्पेशल श्रमिक बस, स्पेशल श्रमिक ट्रेन्स, ये लगातार इनके आवाजाही जारी है। अभी तक हमारे पास में करीब 16,000 के आसपास मजदूर हैं जो कि यहाँ माइग्रेंट्स के रूप में यहाँ आ चुके हैं। उनको होम क्वारंटाइन